स्टूडेंट्स वेलकम टू द बॉटनी क्लासेस अगेन। तो देखो आम तुम बायोडायवर्सिटी पूरा किसी पार्ट्स पढ़ी आज आम तुम आउ गोटे पार्ट पढ़ा जोटा कि तुम कौन ना पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन तुम बायोडायवर्सिटी कौ एरिया केमी देखा जाए मैंने तुम सपोज आम तुम ग्लोबा को ना गोटे एक्जामपल तो से ग्लोब्र कौ कौ रिजन ने स्पीसीज रिचनेसटा तुम के देखा जाए स्पीसीज कहले कौन बुझीपार बोथ प्लांट्स एनिमल्स तासंगे तुम ह्यूमन्स आउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो सबुगुड़ रिचनेसटा सबुगुड़ डिस्ट्रीब्यूशन गोटा सब जगार सेम कि गोटे जगार गोटे स्पीसीज नंबरटा अधिका हेले आउ गोटे जगार से स्पीसीजा तुम कम हो पारे किठार अधिका हो पारे तो सहीटा आम कहे सबू एरिया स्पीसीज मान डिस्ट्रीब्यूशन टा के तुम सेम नुहे रिचनेसटा और नंबर टा के तुम सेम नुहे सब बेले कौन हम ना डिफरेन्ट नंबर से देखा जाते तो सहीटा को तुम कौन कहे पैटर्नस अफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी कहले डायवर्सिटी कहले कौन बुझुच वेरिएबिलिटी बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो तुम से जो वेरिएबिलिटी अच्छी प्लांट्स हूँ एनिमल्स हूँ कि तुम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हूँ तो से माने कौन ना कौ जगार केते केते नंबर देखा जा तुम देखा पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कौन अच्छी इट इज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट रीजियंस तो तुम पैटर्नस ऑफ बायोडायवर्सिटी कहले आम कौन बुझुचे अलग अलग रीजियंस स्पीसीज मानक नंबरटा तुम केमती देखा जाए रीजियन अनुसार नंबरटा क्यारेक्टरटा के तुम चेंज हो चली तो सीटा आम कौन कहल तुम पैटर्नस ऑफ बायोडायवर्सिटी तापर आम तुम देखा पैटर्नस तुम केते टाइप अच्छे फर्स्ट वन है लैटिट्यूडिनल ग्रेडिएंट सेकेंड तुम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप तो वन तुम लैटिट्यूडिनल ग्रेडिएंट तुम कौन ना तुम कौ कौ एरिया स्पीसीज नंबर टा तुम केमती देखा जापर तुम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप टा कौन तुम एरिया जिते बड़ हम जिते अधिका हम तुम स्पीसीज नंबर से कौन हम से अधिका नंबर से माने ग्रो करें कहीं से बेसी एरिया मिल बट के पर्यटन अप टू ए सर्टेन लिमिट कहीं जिते पर्यटन रिसोर्स अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ी बढ़ी चली तुम ग्रो करेंगे बट जो पॉइंट रिसोर्सटा मीनस फुडटा अवेलेबल हेनी तो सही ग्रोथटा कौन हम धीरे धीरे डिक्लाइन हो तो सेटा को मैं तुम कौन कहे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बुझेगा फर्स्ट है तुम लैटिट्यूडिनल ग्रेडिएंट जोड़ा कौन अलग अलग रीजन ने स्पीसीज मानकर नंबरटा अलग अलग टाइप देखा जाए कहीं क्या डिपेंड कर तुम एनवायरमेंटल कंडीशन लाइट हो कि तुम टेम्परेचर हो प्लस तुम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस मीन्स तुम फूड मोस्टली तुम फूड है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बुझीपार तुम एरिया उपरे स्पीसीज मानकर नंबरटा भी डिपेंड करुच्ची तो यहाँ आम तुम कौन देखिले ना तुम स्पीसीज नंबरटा कौ कौ फैक्टर उपरे डिपेंड करुच्ची तो सेटा अनुसार तुम टोटल दुई टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी अच्छी वन है लैटिट्यूडिनल ग्रेडिएंट सेकेंड है तुम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप तो तुम फर्स्ट आम देखा लैटिट्यूडिनल ग्रेडिएंट तो तुम वन आम लिखुचे लैटिट्यूडिनल ग्रेडिएंट सपोज तुम यहाँ हूँ
ग्लोब तो मझीटा तुम कौन आम जाने इक्वेटर तो इक्वेटर उपरटा हूँ तुम नॉर्थ पोल तौटा हूँ तुम साउथ पोल तो इक्वेटर रो जस्ट जो रीजन टा तुम लगिक थाए से तुम ट्रॉपिकल रीजन बोथ साइड रे तापरे तुम कौन आसिबो टेम्परेट रीजन तापरे तुम आसला कौन पोलर रीजन बुझेला सपोज तुम एटा हूँ गोटे ग्लोब तो तुम सब मझी मिडिल लाइन टा हूँ तुम इक्वेटर ता पाख रीजन टा हूँ तुम कौन ट्रॉपिकल रीजन बोथ साइड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल तापर तुम आसला टेम्परेट रीजन तापर तुम आसला कौन पोलर रीजन बुझेला तो तुम जो तुम इक्वेटर पाखे जो रीजन टा अच्छी तो मोस्टली तुम से रीजन में अधिका स्पीसीज देखा जाए यही उपर रीजन गुड़ा ठूँ तो मन रख इक्वेटर तुम सब हाएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज देखा जाती तुम ट्रॉपिकल तापर तुम टेम्परेट तापर तुम पोलर रीजन ने तो तुम किसी केसेस एक्सेप्शन देखा इक्वेटर थिबा रीजन टू ट्रॉपिकल रीजन में तुम अधिका स्पीसीज देखा जाती तो सेटा एक्सेप्शनल केस बट मन रख सब अधिका कौट देखा इक्वेटर रे तापर तुम ट्रॉपिकल देन तुम टेम्परेट देन तुम पोलर रीजन बुझेगा तो तुम टेम्परेट आ पोलर रीजन में कहीं अल्प नंबर ऑफ स्पीसीज देखा जाती बिकॉज से तुम सीजनल चेंजेस टा अधिका होता है मीन्स तुम टेम्परेचर आ लाइट रो फ्लक्चुएशन टा बहुत अधिका थाए तुम इक्वेटर पाखे जो रीजन थाए से कौन ना सनलाइट सनलाइट अवेलेबिलिटी इज मोर तो सनलाइट अवेलेबिलिटी मोर हेले कौन हम प्लांट्स मान को बेसी सनलाइट मिलला तो से तुम बेसी अमाउंट रे ग्लूकोज टा को प्रोड्यूस कर पाले तो ग्रोथ आउ डेवलपमेंट अधिका है तो ग्रोथ डेवलपमेंट अधिका हेले जो एनिमल मैंने डिपेंड करूँ बेसी न्यूरीशमेंट पाइले बेसी फूड पाइले जो ह्यूमन मैंने डिपेंड करूँगी अधिक अमाउंट ऑफ फूड पाइले तो सबुठ इम्पोर्टेंट टा कौन सनलाइट अवेलेबिलिटी तो सेटा तुम कौटी मिलूँ इक्वेटर रे आउ ट्रॉपिकल रीजन ने तो तुम सनलाइट रो अवेलेबिलिटी टा मोर हेले ऑटोमेटिकली कौन हबो प्रोडक्टिविटी इज मोर ताले तुम्हारो कौन हबो स्पीसीज स्टेबिलिटी इज मोर माने तुम्हारो कौन बायोडायवर्सिटी टा और तुम्हारो इकोसिस्टम टा सही जगह रे तुम्हारो स्टेबल है कि रुए से थे पाई कौन ना से तुम स्पीसीज माने भल से ग्रोथ आ डेवलपमेंट हुए आई रीजन तुम स्पीसी रिचनेसटा अधिका देखा जाए तो बुझीपाल इक्वेटर तुम अधिका थाएर तुम ट्रॉपिकल कमी कमी जीव टुवर्ड्स द पोल मीन्स टेम्परेचर कम सॉरी तुम टेम्परेट रीजन में सब कम रोटे तुम टेम्परेट रीजन में भी कम रहा तुम फॉलोड बाय पोलर रीजन में भी तुम सब लिस्ट अमाउंट ऑफ स्पीसीज देखा जाए बुझीला तो यहाँ हूँ तुम लैटिट्यूडिनल ग्रेडिएंट्स मीन्स तुम मझीर इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल गले स्पीसीज नंबर टा तुम धीरे धीरे कमी कमी के जीवो तो यहाँ हूँ तुम लैटिट्यूडिनल ग्रेडिएंट आउ पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी फर्स्ट गला तापर तुम देखा कौन अच्छी ना स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप तो तुमने बुझीपाल जहाँ कहीं जेहेतु तुम टेम्परेट आउ पोलर रीजन में कौन हूँ ना टेम्परेचर आउ लाइट फ्लक्चुएशन टा बहुत अधिका देखा जा तो कौन से स्पीसीज मैंने तुम कन्स्टांटली गोटे कंडीशन में ग्रो कर पार ना तो कौन हूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट रे म्यूटेशन हो मीन से प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो तो जहाँफल कि तुम स्पीसी रिचनेस धीरे धीरे कमी कमी जापर तुम कौन हम लास्ट एक्सटिंक्ट भी हो पाए प्रॉपरली ग्रोथ न होगा द्वारा तो तुमने मन रख सब तुम जो जगार टेम्परेचर फ्लक्चुएसनसटा अधिका रोनी आ तुम सनलाइट अवेलेबिलिटा मोर अच्छी से तुम कौन हम सब प्रोडक्टिविटीटा अधिक रहाफल तुम कौन हम स्पीसीज स्टेबिलिटी इज मोर जहाँफल कि तुम बायोडायवर्सिटीटा से रिजन में स्टेबल रो स्पीसीज रिचनेसटा सब अधिक रुझेगा तो नेक्स्ट आम तुम जा कौन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप तुम्हारो सेकेंड आम देखा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप तो आम कौन कहले
तुमर जड़े जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर आलेक्जेंडर से कौन कही ना जो एरिया तुम स्पीसीज रिचनेसटा अधिका थी से एरिया सब बेले तुम कौन हम तार रिजियन टा सब अधिका थी तो से आम कह स्पीसीज रिचनेस इनक्रीजेस विथ इनक्रीज इन एरिया बट अप टू ए सर्टेन लिमिट तो तुम्हारो स्पीसीज नंबर टा सब बेले अधिक रहिबो जोटी तुम्हारे एरिया टा बड़ थिबो बट केते पर्यंत जेते पर्यंत ताकु प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलुथिबो ताकु टेम्परेचर मिलुथिबो तापरे फूड टा प्रॉपरली मिलुथिबो तो सेतकी जाय तारो ग्रोथ टा सेठी अधिक रहिबो आ स्पीसीज टा तुम्हारे नंबर रे इंक्रीज हे चलिबो बट जो पॉइंट रे ताकु तुम्हारे फूड मिललानी ताकु रिसोर्स सब अवेलेबल हेलानी तो सेठी तारो ग्रोथ टा कमी कमी जीवो तो सेटा कहुचे कौन एरिया टा तुम्हारे अधिका हेले सेठी अधिक नंबर ऑफ प्लांट्स रही पारे एनिमल्स रही पारे तो सेटा तुम्हारे स्पीसीज रिचनेस टा को बढ़ाऊ बट गोटे सर्टेन लिमिट पर्यंत कंटिन्यूअसली सब टाइम पे सेटा नुहे बुझीगला तो जदि आम ग्राफिकली ड्र कर तो सेटा केमती देखा जीवो गोटे हाइपरबोला भलिया ठीक अच्छे तापर जदि आम लॉगरिथमिक स्केल ले नहीं कि ड्र करवा तो सेटा तुम गोटे स्ट्रेट लाइन भाया देखा जीवो धर आम एमती रोचे गोटे साइड तुम नवा कौन आम एरिया आउ गोटे साइड आम ना स्पीसीज रिचनेस तो तुम्हारे केमती देखा जीवो ग्राफिकली ड्र कले ये टाइप रे देखा जीवो जदि आम लॉगरिथमिक स्केल ले नबा तो एटा तुम्हारे एमती गोटे सिंपल स्ट्रेट लाइन भाया देखा जीवो तो सेटा कहचे आम तुम्हारे एरियाटा अधिका हेले स्पीसीज रिचनेसटा कौन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी बट केते पर्यंत अप टू ए सर्टेन लिमिट ता पर सेटा तुम्हारे धीरे डिक्लाइन हबो बुझीगला तो एटा हला तुम्हारे टोटल पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी फर्स्ट आम कौन कहले तुम्हारे एरिया उपरे सॉरी रीजन उपरे तुम्हारे डिपेंड करुच्छे स्पीसीज मानकर नंबर टा काहेकि ना गोटे रीजन तुम्हारे टेम्परेचरटा लाइटा प्रॉपर्ली अवेलेबल होउची स्टेबल है कि अवेलेबल होउची सेट तुम्हारे कौन हम बायोडायवर्सिटी टाइप सेट तुम्हारे स्टेबल रहिबो स्पीसीज माने तुम्हारे प्रॉपर्ली ग्रो करिवे बट आउ अलगा रीजन ने जेहेतु तुम्हारे एनवायरमेंटल कंडीशन टा फ्लक्चुएट होउची चेंज होउची तो सेट तुम्हारे स्पीसीज रिचनेस टा स्टेबल होउनी कमी कमी के जाउची पूरा टोटल अधिका देखा जाउनी तापर तुम्हारे आसिला स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप टा कौन एरिया टा तुम्हारे जिते बड़ हम स्पीसीज नंबर टा तुम्हारे सेठी सेते अधिका हम बट अप टू ए सर्टेन लिमिट जिते पर्यंत तांको रिसोर्स गुड़ा अवेलेबल थी तो एतकी तुम्हारे टोटल गला पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी।